But today in this session as i said that this topic we have already covered in last one new product development and we are carrying it further from the last session जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं ऑन द टॉप यू कैन सी दिस दिस सेशन गो एंड वॉच इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज आवर फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में कोर कंसेप्ट डिस्कस किया था व्हाट एक्चुअली इट वाज एंड देन आई आल्सो टोल्ड अबाउट कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको किस प्रोसेस से गुजरना होता है और उस प्रोसेस के जो फर्स्ट थ्री स्टेप्स थे ठीक इस है इसमें टोटल एट स्टेप्स हैं एंड फर्स्ट थ्री स्टेप्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट फर्स्ट सेशन यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट एंड नाउ कंटिन्यूइंग द सेम ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम यूनिट एट मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जब हम कर रहे हैं जैसे फर्स्ट स्टेप था हमारा जनरेशन ऑफ आइडिया मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ यहाँ पर जनरेशन ऑफ आइडिया था देन इट वॉज आइडिया स्क्रीनिंग जो आपने आइडिया है उसको स्क्रीन किया गया मतलब आपने उस प्रोडक्ट को थ्रू वेरियस टेस्ट पास किया गया देन कंटेंट डेवलपमेंट करना और उसकी टेस्टिंग करना अब आ जाइए हमारा फोर्थ स्टेप पे फोर्थ स्टेप कहता है अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जब आपने अपने प्रोडक्ट के आइडिया को देखा एंड वेरियस आइडियाज़ में से यू सिलेक्टेड द बेस्ट वन और उस बेस्ट आइडिया को आपने फर्दर डेवलप किया टेस्ट किया अब आपको देखना है कि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बिना मार्केटिंग किए आप अपने प्रोडक्ट को फर्दर इन्हांस या इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे तो ये स्टेप क्या बोलता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में कि वंस अ कंसेप्ट इज सिलेक्टेड मीन्स आपने जो प्रोडक्ट है या जो भी कंसेप्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इट इज असेंशियल टू डेवलप अ प्रिलिमिनरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी टीम के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो आपकी कोर मार्केटिंग टीम है पर्सनल uh, आपके हैं मार्केटिंग में उनके साथ बैठिए स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमें कैसे इस फर्दर प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड इन द मार्केट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड असेज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा डेप्थ में है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए आपको किस फर्दर uh, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही आपको हेल्प करेगी आगे फर्दर ये डेवलप करने में कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी उसकी क्या पोजीशन होगी उसको फर्दर प्रमोशन के लिए आपको कैसे देखना पड़ेगा एंड सो इन दिस स्टेप इट इज अबाउट डिसाइडिंग द टारगेट मार्केट आपको एक टारगेट मार्केट सेट करनी है फर्म के प्लैंड वैल्यू प्रोपोजिशन देखने हैं प्लैंड प्राइस देखना है लॉन्ग रन सेल्स देखनी है उस प्रोडक्ट का आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू देखना है ओके फोर्थ पॉइंट समझ में आए डे स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट एज यू कैन सी इज बिजनेस एनालिसिस राइट अब जब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर लिया अब आपने बिजनेस को एनालाइज़ कीजिए अपने बिजनेस के अंदर के वेरियस इनपुट्स आउटपुट्स को चेक कीजिए कि आपके बिजनेस का वर्थ कितना है सो वंस द मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज़ बीन डेवलप्ड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस में आप प्लानिंग करते हो स्ट्रेटजी देखते हो इनोवेट करना पड़ेगा या नहीं इस प्रोडक्ट में हमारे पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सो so, एनालिसिस का मतलब होता है कि कंप्लीट सेल प्रोजेक्शन चेक करना कि देखिए हमें इस यूनिट की जो भी आपने प्रोडक्ट किया है हमें उसकी 500 यूनिट बेचनी पड़ेंगी तभी हमें प्रॉफिट होगा ठीक है और इन 500 यूनिट्स में अपना एक्सपेंसेस देखिए कि कितना खर्चा इन टोटल आ जाएगा देन देखिए कि एक्सपेंसेस करके सपोज कीजिए कि एक यूनिट बनाने में आपको बीस रुपये लग रहे हैं और उसको अगर आप तीस में बेच रहे हो तो दस रुपये जो है वो प्रॉफिट ही तो हुआ राइट सो एंटीसिपेट प्रॉफिट पहले से ही करके देखिए कि एक प्रोडक्ट से आप किस पोजिशन पर आ जाओगे आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस अनालिस अब आप कहोगे मैम एक एग्जाम्पल से समझाइए सो हेयर इज वन एग्जाम्पल फॉर यू सपोज अ फूड कंपनी इज देयर तो फूड कंपनी क्या करती है नया स्नैक लॉन्च करती है अपना एक खाने का आइटम लॉन्च करती है सो दे वुड असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट न्यू स्नैक बाय लुकिंग एट द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इट उस पर्टिकुलर स्नैक को बनाने में कितना एक्सपेंस लगेगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे उस स्नैक को किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करना है उसकी पैकेजिंग हमें क्या करनी पड़ेगी उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें उसके लिए बेस्ट मार्केट कहाँ पर मिलेगी तो ये होता है प्रॉपर बिजनेस अनैलिस एनालिसिस करना राइट देन नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट डेवलपमेंट अब जब आपने अपने बिजनेस को एनालाइज कर लिया अपने मार्केटिंग देख ली अब करते हैं हम उसी प्रोडक्ट को फर्दर और डेवलप करना ठीक है तो यहाँ पर क्या है जो आपके कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आर एंड डी डिपार्टमेंट जिसको हम कह देते हैं या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो क्या करते हैं जो आपने आइडिया सोचा था जो आपने कंसेप्ट सोचा हुआ है दे कन्वर्ट दैट प्रोडक्ट कंसेप्ट इन टू अ फिजिकल प्रोडक्ट अब उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है उस प्रोडक्ट को आप प्रॉपर बना लेते हो अपने आइडिया जो भी सोचा था उसको बनाते हो जो इनोवेशन सोची थी जो जो नए फीचर्स लाने हैं वो सोचते हो सो दिस स्टेप क्या इन्वॉल्व करता है इट्स अ ह्यूज जंप इन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको पूरा पैसा अपना लगाना है क्योंकि अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई है मैनुफैक्चरिंग अब आपका प्रोडक्ट निकलने को रेडी है सो इट शोज वेदर और नॉट द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इंटू अ वर्केबल प्रोडक्ट जो आपने सोचा क्या वो वैसा ही वर्क करेगा या नहीं वो तो बनाने के बाद ही पता लगेगा ना प्रोडक्ट को सो so, जो आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है वो डिजाइन करता है आपके आइडिया को ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो क्या कस्टमर्स को चाहिए और जो कस्टमर्स वेट में बैठे हैं आपके प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए उनको वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिले ओके okay, तो आप एक बजट पहले से ही देखकर चलते हो अब एग्जांपल देखिए अ टेक बिजनेस माइट जो एक टेक्निकल कंपनी है दे माइट क्रिएट टेस्ट वर्जन ऑफ न्यू स्मार्ट वॉच वो नए स्मार्ट वॉच चलाने का सोच रहे हैं तो वो स्मार्ट वॉच को मैन्युफेक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम वो वर्जन अपने कस्टमर्स को दिखाएं दे वैल्यूएट हाउ वेल इट वर्क एंड देन दे मेक द डिजाइन दैट कैन सेटिस्फाई दस्टमर्स नीड ऑल राइट आफ्टर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टेस्ट मार्केटिंग अब आप उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाइए और प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में कस्टमर्स को दीजिए कि देखो ये हमने बनाया है ये हमने इलेक्ट्रिक वॉच बनाई है ये हमने स्मार्ट वॉच बनाई है और इसको पहनकर आप अपने व्यूज बताइए आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए आपको कैसा लगा सो टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है इट लेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट देयर प्रोडक्ट जो उन्होंने फिजिकल प्रोडक्ट बना लिया है अब उसको टेस्ट करवाते हैं लोगों के व्यूज जानते हैं तो वो मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू हो सकते हैं आप टारगेट कीजिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस को स्ट्रैटेजी बनाइए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एडवर्टाइजिंग से करिए कैसे भी करिए अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ानी है ठीक है पैकेजिंग प्राइसिंग बजट लेवल वन मोर एग्जाम्पल एयर आई हैव सपोज अ कॉस्मेटिक कंपनी इज़ देयर और वो कॉस्मेटिक कंपनी लॉन्च कर रही है अपने न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपको ये यहाँ पर दिख रहे हैं तो इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या है कंपनी इज़ नाउ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स रिएक्शन उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को दीजिए दिए कि आप यूज़ करके बताइए अब उनके रिएक्शंस उनसे लेती हैं उन्होंने उसको यूज़ करके उनको कैसा लगा उनकी सेल्स एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी सो दीज आर ऑल द आइडिया दे गेट फ्रॉम दिस ओके डियर स्टूडेंट्स देन वी हैव लास्ट स्टेप ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखिए आपका प्रोडक्ट पूरा डेवलप हो चुका है अब यहाँ पर लास्ट आपको जो काम करना है वो करना है प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है उसको मार्केट में हम कितने अच्छे तरीके से लेकर आए कि जनता ऑलरेडी उससे खुश हो जाए कस्टमर्स खुश हो जाए सो दिस फाइनल स्टेज कंपनीज आर नाउ प्रिपेयर टू लॉन्च देयर न्यू प्रोडक्ट दे आर एक्साइटेड जिस प्रोडक्ट को उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिया है अब उसको मार्केट में लाने के लिए रेडी है टेस्ट भी हो गया है वो प्रोडक्ट और लोगों ने उसको खूब अच्छे पॉइंट्स दिए हैं सो फॉर अ सक्सेसफुल लॉन्च कंपनी मस्ट इंश्योर कि प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग है सेल्स है सपोर्ट टीम्स हैं वो सब आर वेल प्लेस्ड सब अपनी पोजीशन पर अच्छे से काम कर रही हैं एंड दे शुड कीप गुड ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस राइट एंड देन मस्ट फ्रीक्वेंटली मॉनिटर एंड इवेल्युएट कंपनीज को फर्दर एक चेक रखना चाहिए इवेल्युएट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि उनके प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है वो कैसा बताया गया है क्या मोडिफिकेशन लानी चाहिए जैसे कि एक एग्जांपल देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है सो दे माइट मॉनिटर सेल्स कितना उनका सॉफ्टवेयर बिक रहा है लोगों का क्या फीडबैक है क्या उससे लोग सेटिस्फाई हैं और इनसे वो एक पोल बनाते हैं और वो रिसेंटली उनको बहुत और मदद करता है आगे बढ़ने में राइट डियर सो दिस इज होल कंसेप्ट अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड विद दिस सेशन वी कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसको हमने दो सेशंस में किया है डिस्कस सो इन नेक्स्ट सेशन कीप रेडी फॉर द वेरी न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट एट एंड कीप लर्निंग कीप शेयरिंग देयर इज आर ई मेल फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम